इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें आपको बता दें। राजौरी में बर्फबारी की वजह से पिछले 7 दिन में बंद पड़ी मुगल रोड को खोलने की कोशिश जारी है। कश्मीर घाटी को राजौरी और पुंज से जोड़ने वाली इस रोड पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। श्रीनगर लेह हाईवे भी बंद है, जिसकी वजह से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। यूपी के मुरादाबाद में रविवार शाम को देखते ही देखते पेंट की 2 दुकानें जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग इतनी तेजी से फैली कि इनकी चपेट में बैंक के 2 ATM भी आ गए। हालांकि फायर ब्रिगेड ने वक्त रहते आग को फैलने से रोक लिया। दुकान के ऊपर बने घर में फंसे लोगों को भी बचा लिया गया है। सूरत पुलिस ने 3,85,000 के पुराने नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नोटबंदी की वजह से चलन से बाहर हुए 500 और 1,000 की करेंसी की इतनी भारी रकम को पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ा। पुलिस ने सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग और आयकर को जानकारी दे दी है।